Ready? Go! हेलो गाइस, एक साल पहले की बात है। देखो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये कल की बात है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा रास्ता बना। ओ हाय, बहुत दिन के बाद दिखा हूँ यार। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार? मेरे लिए भी कुछ खरीद दो। ओ भाई खरीदो ना प्लीज। अरे दीदी जी कैसे हो, बहुत दिन नहीं आया है इधर में। अरे भाई कुछ कुछ ले लो भाई। अरे तुम क्या खरीद रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो? ओ ये सब खरीद रहे हो? अरे भाई ये सब हानिकारक है रे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सब नहीं खरीदने का, अच्छा अच्छा चीज खरीद के खाने का, ये सब नहीं खाने का। वार्निंग दे दिया है मैंने, बाद में नहीं बोलने का। तो ये देखो क्या था, ओवर ब्रिज बन गया अभी यहाँ पे। पहले कितना छोटा मोटा लगता था, अभी कितना ऊंचा ऊंचा रास्ता बन गया है। ऊपर में जाना पड़ेगा, इधर से जाना पड़ेगा तभी मैं ऊपर पहुंच पाऊंगा। साइड से जाना पड़ेगा, पीछे से जाके घूमना पड़ेगा तभी मुझे वो रास्ता मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ से तो डायरेक्टली मैं नहीं जा सकता, ऊपर जाने के लिए पीछे जाना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लगा के रखा है। अरे बाबा रुक 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 रुक, बिना बैग की गाड़ी है क्या तेरा? ओ तेरी इसका गैंग है। अरे धीरे से चलने का, नहीं तो गिर गया तो हड्डी टूट जाएगा। और वैसे भी कौन इतना रिस्क लेता है यार। और फ्रेंड्स देखो ये ऊपर का नज़ारा है, ऊपर में इतना बना हुआ है ओवर ब्रिज के एकदम ऊपर में। वहाँ जो ट्रेन की पटरी ना उसके ऊपर का ये हिस्सा है, मतलब ट्रेन की पटरी के ऊपर में ये है। और ये जीप देखो कितना तेज से जा रहा है, बोलेरो वो। अरे वो बोलेरो वाला बहुत पिकअप में गया, हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा कुछ काम बाकी है लेकिन वो भी पूरा हो जाएगा। और हम आज यहाँ पे देखने को आया है कितना काम हुआ है। देखिए भाई लोग काम आ गया है, सब परफेक्ट यहाँ पे पहुँच गया। देखिए और देखिए मेरे साथ कौन खड़ा है, ये भैया जी। हेलो भाई जी कैसे हो? अरे भाई बहुत मुस्कुरा रहे हो, लगता है टूथपेस्ट में तुम्हारा नमक है जरूर, तो इसलिए इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो। तो भाई ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या है ना कि ये लोग बहुत दिनों से काम कर रहे तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर में चढ़ने का मन बहुत दिनों से कर रहा था लेकिन टाइम नहीं मिलता था। तो आज जल्दी आ गया, सुबह में जल्दी उठ गया क्योंकि धूप जल्दी निकल गया तो मैं जल्दी उठ पाया। और नहीं तो ज़्यादा देर तक सोता रहता हूँ ना, इसीलिए देर से उठने पर टाइम ही नहीं मिलता है। तो देखिए वहाँ से डंपर भी आ रहा है साइड से, देखिए यहाँ पे दो डंपर आ रहा है, ऊपर से जाएगा तो ऐसे डंपर जाता है तो यहाँ पे कैसा फीलिंग होता है इस ब्रिज में वो भी हमें देखना है, वो भी हमें मालूम करना है कि ये कितना मजबूत है और कितना भारी भरकम सह सकता है। तो उसको भी हमें यहाँ पे देखना है। अरे भाई देखो देखो देखो, कुछ फील हुआ? वही कुछ अलग सा महसूस हुआ फ्रेंड्स? क्या है ना कि देखिए यहाँ पे जब एक डंपर गुजरा, और एक रहा है रुको रुको रुको, इस बार ठीक से देख लेते फ्रेंड्स। जब भी डंपर यहाँ से गुजरता है तो ये पूरा हिलने लगता है यार, मुझे तो डर लगने लग रहा है, ऐसा ऐसा हिलता है। तो क्या बोलूँ यार, ये तो हिल रहा है, नीचे चले जाना है बेटर होगा क्या दोस्तों? अगर गिर गया तो हम तो गया ना यार। तो मैंने इसको पूछा क्यों ऐसा हिलता है जुलता है, तो उसने बोला क्यों, क्योंकि ऐसा ही मेकानिज्म है, यार नहीं टूटेगा नहीं फूटेगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, नीचे पे तीन पटरी है ट्रेन की, ये हमारा स्टेशन है साइड में वहाँ पे। मैं दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा फ़ोन का मेगापिक्सल इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। वहाँ बहुत दूर दिख रहा है जो वहाँ पे स्टेशन है, और आपको दिख नहीं पाएगा यहाँ से यार, मेरा जो कैमरा है मेगापिक्सल कम है और ज़्यादा जूम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे स्टेशन है सापेखाटी स्टेशन, ये सापेखाटी इलाका है, सापेखाटी बोलते हैं इसको। और हम आज यहाँ पे उठ के आए, यहाँ पे चढ़ गए ब्रिज में, तो अच्छा सा फील आ रहा है लेकिन बहुत गर्मी लग रहा है यार। ऊपर में इतना गर्मी है, हमने सोचा नहीं था कि ऊपर में इतना गर्मी होगा, सोचा था कि ऊपर में ज़्यादा हवा, खुला हवा आएगा, लेकिन ऊपर में इतना ज़्यादा गर्मी है। तो
और देख सकते हैं ये उसका दूसरा वाला साइड है, मतलब ये ऑपोजिट वाला साइड है, वहां से आप क्रॉसिंग कर सकते हैं। आगे में भी रेलवे क्रॉसिंग है और यहाँ पे भी क्रॉसिंग है, तो बहुत ज्यादा भारी दिख रही मेरा आज तो, इतना ज्यादा भारी भरकम लगे चढ़ना तो मुश्किल है। पर मैं स्कूटी में आया हूँ, मेरा अपना बचत ठीक है जा रहा हूँ। और क्या है यार, इतना गर्मी है यहाँ पे, आंखों में धूप चला जा रहा है, तो धूप चुभ रहा है आंखों को। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि मैंने अपना जो हथियार वगैरह है ना सब कुछ लेके आया था, जो एक ब्लॉग बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, पर यहाँ पे ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपना अपना इलाका ना, अपना इलाका में थोड़ा सा शर्म आता है यार। हाँ? तो क्या है कि मैं जो वीडियोज है ना, तो मैं अपना हेलमेट में ही लगा के ऐसे शूटिंग कर रहा था, तो ऐसे हिलता जुलता नहीं है और पकड़ने के लिए मुश्किल नहीं होता है। और ये देख सकते हैं आप, वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है आगे जाके, और साइड में स्टेशन भी है हमारा, जो सापेगाड़ी स्टेशन बोल रहे ना वो है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैसा नज़ारा है यहाँ पे, और ये सब यहाँ पे ज्वाइन हुआ है यार, यहाँ पे ज्वाइन हुआ है। पर यहाँ पे अभी भी प्लास्टर वास्तर क्या करना है करना है, लेकिन यहाँ पे उसको ठीक से बनाना अभी बाकी है। और देखिए यहाँ पे जो, हाँ ये धूल धूल जैसा लग रहा है ना, ये सब क्लियर कर देगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा देगा। और आप देख सकते हैं ये जो आधा खुला हुआ है, मतलब इन लोगों के लिए जाने के लिए, हम लोग के लिए नहीं है, पर हम परमिशन लेके जा रहे हैं। अरे यार कैसा लगेगा ऐसे चढ़ने, उसको देखो उसको देखो, आपको दिखाई दे रहा है एक आदमी कितना जोर से पकड़ के अपना साइकिल को पार कर रहा है, बहुत मुश्किल से वहां से लेयरली क्रॉस कर रहा है रेल ट्रेन के आली। और देखिए यहाँ पे एक डंपर क्रॉसिंग कर रहा है रेलवे क्रॉसिंग के साथ, और देखिए ये बच्चा किधर जा रहा है यार, अरे इसका स्कूल तो उस तरफ है। और देखिए हमारा यही इलाका है सफेदखाती का, और यहाँ पे देखिए डंपर इससे क्रॉस क्रॉसिंग कर रहा है, क्योंकि इनको नीचे में काम है, नीचे में रोड बन रही है तो नीचे में काम है। अभी ऊपर में एक दो ही डंपर आ रहा है, देखिए हाँ ये वहाँ से आ रहा है यार, वहाँ का डंपर का गैंग आ रहा है, तो डंपर का गैंग धीरे धीरे से आ रहा है, बहुत दूर में है, उनको ऊपर में काम है इसलिए वो लोग ऊपर से आए हैं। और लोग भी आप जब से खुला है ना, या कल से खोल दिया है वहाँ का जो है, वहाँ से डंपर के लिए खुला था, लेकिन हम लोग आ गए हैं, तो हम आगे गए तो देख लेते हैं यार, तो अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी नीचे भी जाना पड़ेगा, देख ही लिया हमारा अभाविश कैसा लगा, आप भी देखिएगा। और अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा धूप आता है, सीधा सीधे धूप आ जाता है ना, बहुत गर्मी है यहाँ पे, What? मैंने सोचा था इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होगा यहाँ पे। और बच्चे लोग भी सारा आ गए हैं इधर से, बहुत मेहनत लगता है साइकिल को ऐसे ऊपर लाने के लिए, लेकिन अरे मज़े की बात है ना, ऊपर से जाएंगे इसलिए साइकिल को पूरा अपना जोर लगा के ऊपर लाए ये लोग, तो ऊपर का हिस्सा कुछ इस तरह से। तो अब क्या है ना कि मुझे भी जाना पड़ेगा, ड्यूटी का टाइम हो गया है, सुबह आ गया था। तो देखिए मशीन वगैरह भी खड़ा है यहाँ पे, और भी काम है, तो आप तो अपना काम में भी जाना है ना। अरे भाई साइड दो यार, साइड दो, मुझे देर हो रहा है। तो यहाँ से भी आप पार होके इधर जा सकता है, यहाँ पे एक रास्ता दिया है, और मेरा ये शॉप आ गया है, यहाँ पे मेरा ये शॉप है।